नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं अक्षय आनंद। ये तस्वीरें तारापुर की है, जहां पे तेजस्वी के समर्थकों ने उनकी एक झलक देखने के लिए, उनके गले में माला डालने के लिए उनका काफिला रोक दिया। और काफिले को रोक कर खूब नारेबाजी चलती रही। तेजस्वी यादव जिंदाबाद, लालू यादव जिंदाबाद के नारे लगते रहे। और इसी से यह नजर आता है कि तेजस्वी का क्रेज तारापुर के लोगों के स्तर पर किस तरह चढ़ा है कि आज जब अपना तेजस्वी 3 दिवसीय तारापुर दौरा पूरा करके लौट रहे थे, इसी दौरान लोगों की भारी भीड़ सड़कों पर उमड़ी और एक झलक देखने के लिए उन्होंने तेजस्वी यादव के कारकेड को रोका। तेजस्वी को गाड़ी से नीचे उतरना पड़ा। उन्हें कहना पड़ा कि भैया आप वहीं से माला पहना दीजिए, क्योंकि इतनी ज्यादा भीड़ है, सिक्योरिटी इश्यू हो सकता है। तेजस्वी एक वीआईपी हैं, बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं, लालू प्रसाद यादव के लाल हैं और इसी कारण से उनकी लोकप्रियता बिहार क्या बल्कि देश भर में बहुत ज्यादा है। उन्हें देखने के लिए लोग पागल हो रहे थे, खूब ज्यादा भीड़ जुट गई थी। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से पुलिस ने और उनके सिक्योरिटी गार्ड्स ने चेन बनाकर भारी संख्या में उमड़े उन समर्थकों को रोक कर रखा है जो तेजस्वी की एक झलक पाने के लिए वहां पहुंचे थे। सबने चेन बना रखी है और किसी तरह तेजस्वी यादव उन्हें समझाते हैं कि अब हमें पटना निकलना है, हमारे निकलने का वक्त हो गया है और आप हमारे प्रत्याशी अरुण कुमार शाह को जरूर वोट दें। और माला पहनाने की बात रही तो आप दूर से ही माला पहना दीजिए, क्योंकि भीड़ बहुत ज्यादा है और सिक्योरिटी पर्सनल्स के लिए भी ये एक मुश्किल का सबब हो गया। तस्वीरें तारापुर की हैं, जहां पर तेजस्वी के समर्थक कुछ इस तरह फूटे कि सिक्योरिटी के लोगों को मुश्किलें हो गई कि कैसे वो लोग को तेजस्वी के पास आने से रोके। और जब तेजस्वी गाड़ी में बैठे तो बैरियर तोड़कर लोग उनके गाड़ी की खिड़की के पास आए, उन्हें माला पहनाया और तेजस्वी यादव को आशीर्वाद दिया, उनका अभिवादन स्वीकार किया। एक बार फिर से यह वीडियो देखिए कि तारापुर में क्या कुछ हुआ जब समर्थकों ने तेजस्वी की गाड़ी को रोक लिया। चलिए, तो तस्वीरें तारापुर की बेहद ही दिलचस्प लग रहा है कि समर्थन खूब है और तारापुर की सीट तेजस्वी के बनिया कांड के बाद राजद के खाते में आती हुई दिख रही है। जेडीयू एक बार फिर -1 होने जा रहा है, मगर कुशेश्वर स्थान के रिपोर्ट्स कुछ और कहते हैं। कुशेश्वर स्थान में अमन भूषण हजारी का जो प्रचार है और जो एनडीए के साइलेंट वोटर्स है वो बहुत इंटैक्ट दिख रहे हैं। चिराग पासवान कुछ सेनमारी करते हुए नजर जरूर आएंगे, मगर बहुत ज्यादा नुकसान नहीं होगा चिराग, तेजस्वी और कांग्रेस से। जदयू वहां बाजी मारती हुई नजर आ रही है। कल से कुशेश्वर स्थान की भी ग्राउंड रिपोर्टिंग आप हमारे चैनल पर देखेंगे और इसी तरह बिहार से जुड़ी हर खबर, हर अपडेट के लिए आप हमारे साथ बने रहे। चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो सब्सक्राइब कर ले, फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक करें। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।